दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन के अर्की में नगर पंचायत के गृह कर लगाने के प्रस्ताव को एसडीएम ने सस्पेंड कर लोगों को कोरोना के मुश्किल वक्त में बड़ी राहत दी है। नगर पंचायत ने 22 जुलाई को बैठक में गृह कर लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर अर्की व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद अनुज गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पंचायत ने गृह कर तय करते समय सरकार के आदेशों को दरकिनार किया है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत ने वैश्विक महामारी के दौरान जून 2020 में 2018 और 19 के हाउस टैक्स के जो बिल भेजे हैं, उनमें बहुत सारी खामियां हैं। जब तक नगर पंचायत द्वारा तय किया गया टैक्स माने नहीं हो जाता, तब तक गृह कर का बिल नहीं दिया जा सकता। नगर पंचायत अर्की ने गृह कर के पिछले 2 वर्ष के बिल लंबित कर दिए हैं और अब 2020 का बिल भी पेंडिंग हो गया है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं पर एक बोझ पड़ गया है। ज्ञापन में एसडीएम अर्की से नगर पंचायत को सब कमेटी का गठन करने की भी मांग की गई है। लोगों की समस्या सुनने के बाद एसडीएम विकास शुक्ला ने हाउस टैक्स का प्रस्ताव सस्पेंड कर बड़ी राहत दी है। इस अवसर पर दीवान चंद, कमलेश गुप्ता और दिनेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। एक हमने ज्ञापन सौंपा है अर्की शहर के जितने भी करदाता है, उनका सबका ये रोष है कि जो प्रॉपर्टी कर नगर पंचायत अर्की लगा रही है वह नियमों के विरुद्ध लगा रही है, क्योंकि इसमें जो शहर की जोनिंग और फैक्ट्री वैल्यू अर्की के हिसाब से बनानी है वह इन्होंने नहीं बनाई है। और इन्होंने शिमला शहर के जो फैक्ट्री वैल्यू है उसको उठाकर लोगों के लिए टैक्स की कैलकुलेशन करके इनको बिल भेज दिए हैं, जबकि इसकी जो पूरी प्रक्रिया है पहले वहाँ तैयार की जाएगी, उसके बाद ही इसके कर भी दिए जाएंगे। इसलिए हमारा रोष है और रोष है, इसलिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसके पूर्ण विचार किए जाएंगे। हमने जो 20 जुलाई 2020 को नगर पंचायत ने अपने नगर पंचायत की बैठक में एक निर्णय लिया था हाउस टैक्स के बारे में, उस बारे में अर्की होल्डर अधिकारी नागरिक अर्की को मिले, उन्होंने हमने अपनी डिमांड रखी थी कि अर्की शहर की जो नहीं की जाए फैक्टर वैल्यू जो लगाई है उसको ठीक किया जाए, रेटों को ठीक किया जाए और साथ ही लोगों द्वारा सेल्फ रिटर्निंग फॉर्म जो फॉर्म लोग भर के देंगे उसको किया जाए और साथ में एक सब कमेटी का गठन किया जाए जो हाउस टैक्स के लिए निर्णय लेने में अपने सक्षम हो, अपने विचार दे, उसके बाद हाउस में नगर पंचायत में जाए, उसके बाद इसमें हाउस टैक्स की रूपरेखा बनाई जाए। जबरदस्ती नगर पंचायत के लोगों के ऊपर हाउस टैक्स को थोपना नगर पंचायत द्वारा बिल्कुल गलत, हम इसको आपको करार देते हैं। और उपवन अधिकारी ने हमारी बातों को सुना और इसे माना और इसके ऊपर उन्होंने इसको जब तक इस पर कमेटी वगैरह या नहीं बन के अपना हाउस टैक्स के बारे में पूरी चर्चा हुआ तब तक इसमें उन्होंने स्टे दे दिया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अर्की से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। मैं वीना गुप्ता, प्रधानाचार्य लक्ष्य पब्लिक स्कूल अर्की, आपसे अनुरोध करती हूँ कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमेशा मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें। अगर कोई भी व्यक्ति हिमाचल के बाहर से आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। धन्यवाद। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प है यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। Him Agro, chemicals and nutrients, deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village Shamti, Rajgarh Road, Solan. Contact 94180-833-25-826-29-12345.